नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और फिर से स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में, जहां पर हम बात करने वाले भाई नई शिफ्ट के बारे में। ये रही भाई मेरे पीछे खड़ी है, इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे, इसका एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है, सेफ्टी क्या है और इसका प्राइस पॉइंट क्या है, और इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूँ ताकि आपको वाइड व्यू आ जाए थोड़ा सा। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके एक्सटीरियर से। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो सबसे पहले आपको जो नोटिस महसूस होगा कि भाई इसमें क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, तो सबसे पहले आप ग्रिल देखो। ये अब आ रही है पियानो फिनिश के साथ, जो कि पहले थोड़ी सी अजीब लगती थी लेकिन अब जो है थोड़ी सी स्टाइलिश आपको लगेगी। और अगर आप ओवरऑल लुक को देखोगे तो आपको पूरा जैसा लगेगा जैसे कि पूरा जो इसका सिस्टमेटिक जो है पूरा चेंज कर दिया गया है। यानी कि अगर आप हेडलाइट्स देखोगे तो ये पूरी की पूरी चेंज है, और अगर कहें तो पूरा शेप जो है उस बार चेंज कर दिया गया है। चेंजेस होने के बाद इसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा मिनी कूपर जैसी इंस्पायर लग रही है। वैसे अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें, वैसे फ्रंट में आपको बता दिया यही मेजर चेंजेस है। पहले लोगों नीचे आता था, अब ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, थोड़ा सा बोनट में चेंज है, और इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी एरोडायनामिक हो गई है। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल में क्या चेंज आया है। वैसे मैं साइड प्रोफाइल की बताऊँ, साइड प्रोफाइल जैसा पहला था आपको वैसा ही लगेगा, ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको साइड प्रोफाइल में नहीं दिखेंगे। तो भाई ये कुछ साइड प्रोफाइल है, कुछ ऐसा दिखता है। वैसे अगर आप कहें छोटे मोटे चेंजेस के बारे में बात करें, तो पहले हैंडल ऊपर आते थे, अब नीचे शिफ्ट कर दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत अगर हम चेंजेस की बात करें तो वो सिर्फ साइड में नहीं बल्कि पूरी साइड में आए हैं। जैसे कि अगर आपकी लाइन दिख रही होगी, ये बेल्ट लाइन जो है पीछे से लेकर और सामने तक, यानी कि ये चारों तरफ दी गई है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि चेंजेस के मामले में इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, जिसके बाद इसकी लुक थोड़ी ज़्यादा और एनहांस हो गई है। चलिए चलते हैं रियर साइड में, देखते हैं रियर साइड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो भाई अब आ गए हम पीछे की साइड में। अगर पीछे की साइड आप देखोगे तो पीछे की शेप पहले भी ऐसी थी लेकिन अब भी ऐसी है, लेकिन उसके बावजूद आपकी लुक थोड़ी सी अलग लगेगी। अगर हम LED की बात करें, यानी कि रियर लाइट की बात करें, इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। वैसे अब ये और ज़्यादा ना थोड़ी सी ब्राइट लगेगी आपको पहले के कंपैरिजन में। और अगर नीचे की बात करें तो भाई नीचे तो मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस में दिख नहीं रहा, क्योंकि जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो थोड़े से फ्रंट में और इंटीरियर में किए गए हैं, कुछ फीचर्स में एड ऑन किए गए हैं। एक बार अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं कि इंटरनली क्या चेंज आए हैं। तो भाई अगर पहली नज़र में आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये ब्लैक, मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे ब्लैक फिनिश में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मल्टी लेयर डैशबोर्ड है जो कि ऑल इन ब्लैक है। वैसे इंटीरियर इसका आपको पूरा ही ब्लैक लगेगा। अगर आप यहाँ देखोगे, चाहे डोर्स पर देखो, फ्रंट में देखो, स्टेयरिंग पर देखो, तो ब्लैक के साथ थोड़ी थोड़ी क्रोम फिनिश दी गई है, आपको अच्छी तो लगेगी। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको ड्यूअल टोन में बनाते ना, थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो जाता, क्योंकि ब्लैक तो पहले भी आता था। बाकी उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे जो है चेंजेस किए गए, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अब भाई इसमें 6 एयरबैग आ गए हैं, पहले आते थे 2, अब यहाँ आप देखोगे कि फ्रंट में तो खैर मिलते ही मिलते थे, लेकिन अब क्या है साइड में भी एयरबैग है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये रहा, अब इसमें साइड में भी एयरबैग आ गए हैं। और जो मेजर चेंजेस है वो है भाई ये टच स्क्रीन। अब भाई जैसे ये बेस मॉडल है, मतलब ये है VXI वेरियंट बेस से एक ऊपर, तो इसमें थोड़ी सी आपको ये रफ फिनिश में है, लेकिन अगर ये क्रोम फिनिश में या थोड़ी सी पियानो फिनिश में आती तो और ज़्यादा बेटर हो जाती, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में आती है। अभी टच स्क्रीन आप देख रहे हो, ये मारुति ऑलरेडी यूज़ कर रही है, जैसा कि जिमनी में देखा होगा आपने या बलिनो में देखा होगा, सेम यही टच स्क्रीन जो है वहाँ आपको देखने को मिलती है, बट इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब थोड़ी सी नीचे की तरफ देखोगे तो भाई ये देखो, ये पैनल पूरा का पूरा नया है, यानी कि ऑटो क्लाइमेट आ गया है इसके अंदर, जो कि पहले नहीं आता था। लोगों की कंप्लेन थी कि भाई शिफ्ट इतनी महंगी है, ऑन रोड प्राइस का करीबन करीबन 10 लाख के आसपास पड़ता है, उसके बावजूद जो है इसमें आप ऑटो एसी या कुछ ऐसी चीज़ें दो जो थोड़ी सी आपको प्रीमियम फील दे कि हाँ भाई लगे कि आपने पैसा खर्च किया है, थोड़ी सी अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। तो बाकी अब ठीक है पहले के कंपेरिजन में। नीचे देखोगे तो नीचे भाई वही चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं आपको, ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है जो कि पहले भी आती थी, यहाँ पर नॉर्मल ये हैंड ब्रेक है। अब स्टेयरिंग पर देखोगे, पहले बात करते हैं भाई इसके क्लस्टर की। तो भाई स्टेयरिंग तो इसकी फिलहाल लॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इसका क्लस्टर। ये क्लस्टर थोड़ा सा पहले के कंपेरिजन में आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, थोड़ा सा ब्राइट फील होगा। और इसमें ना मैं आपको बता दूँ, पहले जो इसका बेस मॉडल आता था उसमें सिंगल आता था, यानी कि एक ही आता ना RPM मीटर आता था, और बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन इसमें थोड़ा आपको थोड़ा प्रीमियम फील होगा कि भाई हाँ ठीक है, पहले से ज़्यादा बेटर है। स्टेयरिंग की बात करें, खैर ये VXI वेरिएंट है तो इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो है क्रूज़ कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसमें आपको नॉर्मल जो है कॉलिंग के फीचर मिल जाएंगे और वॉल्यूम के फीचर मिल जाएंगे।
साइड में देखोगे तो आप साइड में आप देखो पहले क्या आता था कि AMT में जो है हिल डिसेंट कंट्रोल या हिल होल्ड कह सकते हैं आप, वो फीचर इंट्रोड्यूस होता था सिर्फ AMT वेरिएंट में, लेकिन अब जो है नई स्विफ्ट में आपको ज़्यादातर वेरिएंट में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा फीचर होंगे, ज़्यादा सेफ्टी होगी। तो क्या है सेफ्टी, मतलब आप लोग कहते हैं कि भाई मारुति सेफ नहीं है, तो थोड़े फीचर इंक्रीज करने से थोड़ी जो है सेफ्टी पर डिफेंस जो है फ़र्क पड़ जाता है। अब साइड में देखोगे तो साइड में आपको वही ओवरव्यू के कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ छोटी छोटी क्रोम फिनिश मिल जाएगी जैसे यहाँ पर है आपको, स्टेयरिंग पर है तो ठीक है, काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी इसके अलावा अगर और चेंजेस की बात की जाए तो भाई और चेंजेस भाई मुझे तो दिख नहीं रहे इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस। बाकी ओवरऑल जो है आपको जो है पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी जो है शिफ्ट अब ज़्यादा बेटर लगेगी। ऊपर की बात करें तो भाई भाई आपको लाइट मिलती है हेलोजन वाली, यहाँ पर आपको वही सनवाइज़र, यहाँ मिरर मिल जाएगा एक छोटा सा, तो भाई यही चीज़ है। बाकी फ्रंट में इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस दिख नहीं रहे। अब चलते हैं रियर साइड में, देखते हैं रियर साइड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो भाई अब आ गए हम फिलहाल रियर साइड में। अगर हम स्पेस की बात करें तो भाई स्पेस मैंने अब सीट आगे कर रखी है फुल, तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर इसको मैं पीछे भी कर दूं तो स्पेस जो है काफ़ी अच्छा खासा है, यानी कि ज़्यादा कंप्लेन नहीं मिलेगी आपको स्पेस के कंपेरिजन। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो भाई ये है VXI, तो यहाँ पर नहीं आता, लेकिन अगर आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट लोगे ZXI Plus, तो उसमें आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएंगे, जो कि पहले कंप्लेन करते थे लोग भाई कि चार्जिंग सॉकेट होने चाहिए, पीछे जो बैठता है उसके लिए दिक्कत होती है, और रियर एसी वेंट्स भी आने चाहिए, तो भाई वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अगर मैं साइड में देखें तो भाई वही क्रोम फिनिश जो फ्रंट में आपको मिलती है, विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और बताया था मैं, इसका प्राइस जो है थोड़ा सा बड़ा है पहले के कंपेयर, यानी कि पहले जो बेस मॉडल आता था और आज का जो बेस मॉडल आता है उसमें फीचर में डिफरेंस आ गया है। पावर विंडो उसमें आ गया है थोड़ा सा, आपको बाकी जो थोड़ी मोटी चीज़ें 6 एयरबैग कंपलसरी कर दिए हैं, यानी कि हर एक वेरियंट में स्टैंडर्ड कर दिए हैं, तो भाई प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। बाकी उसी हिसाब से जो है बेस मॉडल भी इसका जस्टिफाइड हो जाएगा। पहले कहते थे कि भाई बेस मॉडल ले लो उसमें फिर मॉडिफिकेशन अलग से कराओ, पैसा अलग से लगाओ, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं लगेगा, बेस मॉडल भी लेके भी आप काम चल जाएगा। अब चलते हैं इसके भाई बूट स्पेस में कि बूट स्पेस में कितना डिफरेंस आया है, चलते हैं भाई। तो भाई ये खोल दिया हमने बूट, भाई पहले आता था 268 लीटर का बूट स्पेस, पार्शियल ट्री इसमें मिल जाएगी, VXI वेरियंट है इसमें पार्शियल ट्री भी आ जाएगी साथ में। नीचे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील कहाँ गया ये रहा, तो भाई स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा यहाँ पे सेम साइज का। तो भाई पहले के कंपैरिजन अगर बूट स्पेस की बात करें तो थोड़ा सा कम हुआ है, यानी 268 लीटर के आसपास आता था, जो कि अब शायद 10 लीटर के आसपास कम हो गया है। वैसे ओवरऑल इसकी लेंथ है वो 15 mm के आसपास बढ़ गई है, और ग्राउंड क्लियरेंस में कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा डिफरेंस आया, लेकिन बूट स्पेस पता नहीं कैसे कम कर दिया उन्होंने। बाकी चलिए भाई आपको रियल लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके इंजन की, फ्रंट में चलते हैं इंजन की बात करते हैं भाई मेजर चेंजेस इंजन में हुए हैं। तो भाई ये खोल दिया हमने इंजन, भाई पहले आता था 4 सिलेंडर इंजन, जो कि अब 3 सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया है। लोगों की कंप्लेंट यह है कि 4 सिलेंडर ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन भाई मारुति के इंजन है, मारुति के 3 सिलेंडर इंजन भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मारुति ऑलरेडी 3 सिलेंडर इंजन अपनी गाड़ियों में यूज़ करी है, जो कि ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आती। अगर पावर की बात करें, पावर टू रेशियो या टॉर्क रेशियो की बात करें, तो भाई पावर 19-20 कम हुई है। पहले मैक्सिमम पावर मिलती थी करीबन 6000 RPM के आसपास, जो कि अब 5700 RPM पे आपको मिल जाएगी। और जो माइलेज की बात है, टोटल जो माइलेज है इसका इंक्रीज़ हुआ है 14% के आसपास, और मैनुअल में हुआ है करीबन 10% के आसपास, यानी 25 या 26 के आसपास जो है कंपनी क्लेम कर रही है कि अब जो है माइलेज थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले मिलता था 22 या 23 के आसपास, जो कि अब 25 या 26, लेकिन ओवरऑल जो है आपको अगर ऑन रोड या हाईवेज़ की बात करें तो हाईवेज़ पर तो भाई मिल जाता है 25-24 के आसपास, लेकिन लोकल की बात करें तो भाई वही रह जाता 18-20 के आसपास। अब ऊपर की साइड देखो तो इंसुलेशन दे दी है, क्योंकि वैसे ठीक है, नीचे की साइड भी इंसुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो नॉइज़ की मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। मारुति के इंजन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ऑलरेडी मारुति जो है ये इंजन यूज़ कर रही है, इंडिया में नहीं बाहर, इंडिया से बाहर जो है ये इंजन यूज़ कर रही थी। बट दिक्कत ये है कि हाइब्रिड की बात हुई थी कि भाई शायद इंडिया के अंदर हाइब्रिड आ सकता है, बट हाइब्रिड तो नहीं आया भाई, 3 सिलेंडर इंजन आया है। अब रोड पर चलने के बाद ही पता चलेगा, जब रियल लाइफ में इस पर जोर पड़ेगा, पब्लिक बैठेगी इसको चलाएगी कि भाई कितना अच्छा इंजन है, कितना स्टेबल है, और एक्चुअल में क्या माइलेज दे रहा है। तो भाई यही था, कुछ और तो कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। अब प्राइस पॉइंट की बात करें तो भाई प्राइस पॉइंट इसका 6.5 लाख रुपये से स्टार्ट है, यानी कि 6,50,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है बेस मॉडल का। और टॉप एंड की बात करें मैनुअल में तो वो जाएगा करीबन 9 लाख रुपये के एक्स शोरूम के आसपास, यानी कि ऑन रोड आपका बेस मॉडल पड़ेगा 7.25 लाख रुपये के आसपास, और टॉप एंड मान सकते हैं 10-10.5 के आसपास पड़ेगा। आप चाहें तो बेस मॉडल लेकर इसमें एसरीज लगवा सकते हैं,
जैसे कि आप एलोवेल चेंज करा सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अब कंपनी चेंज कर देती है। पहले ऐसा नहीं होता था, बेस मॉडल मतलब बेस मॉडल, अब क्या होता है बेस मॉडल लेके भी आप उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करा सकते हैं। तो भाई इसे करते हैं बंद और बात करते हैं कुछ और। तो भाई इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, एक्सटीरियर हो गया अपना, इंटीरियर हो गया, सेफ्टी, सेफ्टी में वही भाई 6 बैग एक्सटेंडेड कर दिए हैं, ESP, ABS, CVD ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। हिल होल्ड पहले नहीं आता था, AMT में आता था, जो कि अब इस वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। बाकी प्राइस पॉइंट भी मैंने बता दिया। और दोस्तों एक खास बात, अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस दे दूंगा, आप चाहें तो शोरूम पर विजिट कर सकते हैं या एक फोन नंबर भी दे दूंगा, आप चाहे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।